नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें। नारायण 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 नारायण। जो साधना आज से शुरू होने जा रही है उस बाबत कुछ कुछ लोगों के प्रश्न हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ये जो साधना 24 मालाओं की होगी ये 40 दिन तक चलेगी, पहली बात। दूसरी, ये साधना उनके लिए है, विशेष फोकस विवाहित जोड़ों पर है, चाहे वे साथ रह रहे हो या अलग, पर आपसी संबंधों में उनके किसी न किसी की प्रकार की अस्वस्थता है, तो उस अस्वस्थता को दूर करने के लिए, स्वस्थ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए ये मालाएं करी जा रही। तो विशेष रूप से शामिल रहेंगे विवाहित जोड़े। कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारा जो दूसरा संबंध है, चाहे वो सास बहु बाहु या इतर संबंध हो, उसे ले सकते हैं क्या? प्राथमिकता ओनली कपल की है, फिर भी यदि सास बहु से रिलेशन आपके आप सही करना चाहते हैं तो आप प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं। और यदि आपके जानकारी में ऐसा कोई भी कपल है नहीं जो जिसे इस हीलिंग की जरूरत है, तो बाकी लोग जो लोग हीलिंग कर रहे हैं आप उसमें अपना सहयोग दीजिए। अच्छा, ये प्रश्न भी आया हमारे पास कि हमारे पास जैसे कल अनाउंस किया था अभिता जी कि एक बार में आप एक ही कपल को इस प्रार्थनाओं में शामिल करेंगे, तो उनका ये प्रश्न है कि एक से अधिक कपल नजरों में है जिनको हीलिंग देना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? अभी एक विशेष माला करवाई जाएगी, आप इन बिटवीन शेयरिंग भी अभी होगी, उसके बाद विशेष माला होगी। जब शेयरिंग चलेगी आप चिट बना लीजिए, जैसे मेरे पास भी प्राथमिक तौर पर चार है जिनको हीलिंग करनी है, तो उस माला के दौरान चिट निकालेंगे कि किसको प्राथमिकता की जरूरत है, कौन से कपल को भी इस वक्त हीलिंग की अधिक जरूरत है, और एक एक कपल ही आपको चुनना है। और यदि आप खुद को चुनते हैं, खुद और अपने जीवन साथी को कि संबंध हमारे स्वस्थ हो जाए, तो आपको सिर्फ अपने आप को ही लेना होगा, मतलब अपने को और जीवन साथी को टोटल में एक सिंगल कपल ही रहेगा इस साधना के दौरान, लिस्ट नहीं बनेगी, वो ध्यान रहे। और इसमें विशेष कर जो 24 मालाएं चलेगी इनकी भी इस दौरान जो तरंगे प्रवाहित होगी, ईमानदारी, वफादारी, एक दूसरे के प्रति आदर, केयर करना, कद्र करना, समर्पित भावना, ये सारी तरंगे इस दौरान प्रवाहित होगी जो उस कपल तक पहुंचेगी और उनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। और क्लियर कर दिया गया है आप सब से कि वो कपल साथ में रहता हो चाहे अलग रह रहे हो, लेकिन विवाहित जोड़े हैं ताकि वो साथ में रहकर अपना जीवन सुख शांति से, समृद्धि, सातों सुखों से परिपूर्ण बना सके। और इस टाइम, इस साधना का समय एकदम डॉट, जैसे हमारी ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थनाओं का समय 4:30 का फिक्स है, उसी तरह इन इस प्रार्थनाओं 24 मालाओं का समय भी फिक्स रहेगा, 4:56 पर ही प्रार्थनाएं शुरू होगी 24 माला की साधना। हाँ, इस बाबत कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल भी जैसे विशेष तौर पर अनाउंस कर दिया गया था, करबद्ध निवेदन है कि कोई भी फोन ना करें इस बारे में पूछने के लिए। इसके बावजूद भी दोपहर के वक्त फोन शुरू हो गए थे, और दोपहर का वक्त आप लोग फोन ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से विशेष जरूरी पूछना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्यथा स्क्रीन पर ही आप पूछे ताकि बहुतों को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। चलिए, और दोपहर की साधना के बारे में हेल्थ और हैबिट की साधना रहेगी, उसमें भी सिर्फ आप एक एक व्यक्ति को चुन सकते हैं हेल्थ के लिए, एक वो हैबिट के लिए। यदि एक ही व्यक्ति को हेल्थ हैबिट दोनों की संजीवनी आपको देनी है तो आपको टोटल एक व्यक्ति को ही चुनना होगा, वो ध्यान रहे। और नियमित इन साधनाओं में आपको बैठना होगा, और साथ ही साथ जब आप साधना शुरू कर रहे हैं, जैसे विवाहित जोड़े जब साधना कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उनके बारे में किसी भी कोई आपने एक जोड़ा चुना जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं नियर डियर को, तो
तो उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे दूसरों से। पहली बात, आप हीलिंग दे रहे हैं ये बोल सकते हैं, लेकिन उनके संबंध अस्वस्थ है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। कोई समाचार आपको किसी और के थ्रू मिलता है नकारात्मक, तो आप दूसरे तक नहीं फैलाएंगे। पूरा प्रिकॉशन माह सिर्फ हमें शुद्ध पवित्र ईमानदारी वफादारी समर्पित लव रिस्पेक्ट फेथ केयर से प्रतरण के ही भेजने है, वो विशेष रूप से ध्यान रहे। हाँ नारायण नारायण, ध्यान रहे, ये गुप्त साधना रहेगी। आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको किसी से शेयर नहीं करना है, उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी नहीं। ये आपकी तरह का आपकी तरफ से योगदान रहेगा। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे विद्या जी कि एक हाथ से देते हैं यदि आप किसी को, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो उस अंतर्गत हम लोग ये साधना कर रहे हैं। भविष्य में भी आपको चर्चा नहीं करनी, यदि वो आप कपल आपको सुखी दिखे तो इसमें मेरा योगदान है, ये तो बस हम निमित्त है, या हमें प्रार्थनाओं में उसने बिठा लिया है, ये सबसे बड़ी कृपा है। तो आप जिसके लिए भी साधना कर रहे हैं आपके मन से साधना रहेगी, किसी से भी आप इस बात की बातचीत चर्चा नहीं करेंगे। नारायण।